नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार जारी है, ऐसे में दोनों देशों की भी जल्द ही जंग होने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों में एक नागरिक मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील के रामबाग गांव का निवासी है। यूक्रेन में फंसे रीवा के प्रज्वल ने व्हाट्सएप कॉलिंग से परिजनों से बात कर अपनी दास्तां बयां की है। प्रज्वल ने कहा कि आगे क्या होगा बता नहीं सकता। प्रज्वल के परिजन अपने बेटे की वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। यूक्रेन में देश सहित प्रदेश के 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें रीवा जिले के जवा तहसील का छात्र प्रज्वल तिवारी भी शामिल है। प्रज्वल रीवा जिले के जवा तहसील के रामबाग का रहने वाला है। प्रज्वल गाँव में हार्डवेयर की दुकान संचालित करने वाले बुद्धि सागर तिवारी का पुत्र है और वह यूक्रेन के तर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर का छात्र है। प्रज्वल यूक्रेन में 1.5 साल से हॉस्टल में रह रहा, जो अब यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के बीच फंसा हुआ है। रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच फंसे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के छात्र उद्धव फंसे हैं, यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। 5 दिन पहले उन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से परिजनों से बताया कि यहाँ के हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ कल क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। परिजनों का कहना है कि वो बहुत डरा हुआ है। 2 भाई और 1 बहन के बीच प्रज्वल सबसे बड़े हैं। प्रज्वल यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई कर रहा है, वह उसका द्वितीय वर्ष है। भारत ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। इधर देश लौटने के लिए यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्र बहुत डरे हुए हैं और अपने देश लौटना चाहते हैं। युद्ध जैसे हालातों के बीच फ्लाइट का किराया भी 3 गुना से ज्यादा हो गया है। प्रज्वल के परिजनों को अब अपने बेटे के वतन वापसी का इंतजार है कि वो वापस कब आएगा। उम्मीद है कि सरकार वहां फंसे भारतीयों को सही सलामत वापस वतन ले आएगी। क्या नाम है आपका माता? रन्नू तिवारी। कितने बेटे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा वाला बेटा क्या करता है? MBBS करता है यूक्रेन से। लास्ट बार यहां से कब गया था? 1.5 साल हो गया। और बात कब हुई लास्ट बार? 5 दिन पहले। क्या बात हुई? बात हुई है कि यहाँ के हालात बहुत गंभीर है। घर के हालात कैसे हैं? घर की हालात है कि घर में खाना नहीं बन रहा, टीवी चैनल देखते हैं तो पूरा घर रो रो के हाल बेहाल है। आज पूरा रात सोए भी नहीं हैं। लास्ट बार जब बात हुई तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि मम्मी यहाँ के हालात गंभीर है, फ्लाइट भी अब नहीं आ पा रही है, किराया भी उसका महंगा हो चुका है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा सहकुशल घर आ जाए, मामा मेरी मदद करे ताकि मेरा बच्चा सहकुशल घर आ जाए। खाली दौलत मेरा बेटा बस है और हमारे कुछ नहीं है। अभी तक कोई प्रशासनिक अमला संपर्क करने का सारा कोशिश की? जी सर, मीडिया वाले हमारे पास आ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर भी हमारे पास आ चुके हैं। बुद्ध सागर तिवारी। कितने बालक हैं? 2 बालक 1 बालिका। बालक का क्या नाम? प्रज्वल तिवारी। क्या करता है? यूक्रेन में टर्नोपिल सिटी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करता है। लास्ट बार यहाँ से कब गया? 1.5 साल पहले गया। और लास्ट बार बात कब? 5 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई, लड़का सदमे में था। हम लोग यहाँ TV चैनल या समाचार पेपर में जो भी देखते हैं सब कोई सदमे में है। 4-5 दिन से ना तो खाना सोना सब मुश्किल में है, हम लोग परेशान हैं। प्रशासन प्रशासन यही चाहते हैं कि लड़का सकुशल अपने देश वापस लाया जाए। जी, अभी तक कोई प्रशासनिक अमला आपसे संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, पुलिस वाले आए थे, मीडिया कर्मी कल भी आए थे, आज भी आए थे। जब लास्ट बार बेटे से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? वो यही बताया कि यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण है, सदमे में था लड़का, ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, कुछ बात हुई है थोड़ा बहुत। जी, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।